हेलो यूट्यूब, आज हम बनाएंगे सिंपल रेडिश फ्लावर। तो इसके लिए मैंने एक रेडिश ली है, इतनी आप कितनी बड़ी ले सकते हैं आपकी मर्ज़ी है और जितना बड़ा आपको बनाना हो। और उसके बाद हम इसे बिल्कुल पतला और एकदम एज थिन एज पॉसिबल हम इसे कट करेंगे। और मैंने सर्कल ही रखा है, आप देख सकते हैं, इसी तरह हम इसे कट करेंगे। तो सिंपल आप कोई सी भी नाइफ ले सकते हैं, बट वो शार्प होनी चाहिए। और धीरे धीरे हम इसको कट करते जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने एकदम ट्रांसपेरेंट कट किया है, एकदम थिन होगी तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगी, इसलिए इसे थिन ही रखिए। इसे आप चाहें स्लाइसर का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस ये। और इसका मैंने मीडियम पे रखा है, तो आप भी मीडियम पे ही रखें और इसे धीरे धीरे पुश करते जाए। देख सकते हैं ये कितने अच्छे से इजी एकदम कट हो गया है। देखिए ये भी ट्रांसपेरेंट ही है, और जो हमने नाइफ से कट किया था वो भी ट्रांसपेरेंट है। सेम ही आप जिससे आपको कंफर्टेबल हो उसी से कट कीजिएगा। और अब इसके बाद हम इसे इस तरह से सर्कल बनाएंगे। अब हम इसका इसे इस तरह से एक और इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे। हम बहुत इजी इसको रखेंगे, बिल्कुल एक के ऊपर थोड़ा थोड़ा गैप देकर हम इस तरह से रखेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और अगर हम गैप बराबर नहीं देंगे तो फ्लावर बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। आपको लगता है कोई एक कट हो गया तो इस वाले पोर्शन को यहाँ ऊपर रखिए इस तरह से, इसी तरह से ये, और अब आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से कर लिया है। इस तो चीज हटा देती हूँ, और अब इसे फोल्ड करना है। इसको फोल्ड यहाँ से नहीं करना है, यहाँ से करना है। इसको टर्न कर देती हूँ यहाँ से। अब इसको बिल्कुल धीरे धीरे फोल्ड करना है, और एकदम टाइट हाथ से फोल्ड करना है इस तरह से। आप सोचेंगे फोल्ड कैसे होगा, क्योंकि बहुत थिन है इसलिए इजीली फोल्ड हो जाएगा। बस थोड़ा टाइट हाथ से इसे फोल्ड करते जाएं। इस तरह से ये लाइन बिल्कुल सीधी हो तो हमें आसानी रहती है। इट्स वेरी इजी टू मेक दिस फ्लावर। थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो एकदम बन जाएगा। इस तरह से टाइट हाथ से ही कीजिए, तभी ये सही होगा और क्रीज हो जाए। ये मैंने पूरा कर लिया। अब ये अगर कुछ पोर्शन साइड में हो जाए तो इसे अंदर की तरफ पुश कर देते हैं, और इसको हाफ कट करना है हमें। इसको हम इस वाले पोर्शन पर यहाँ हाथ रखकर और ये हाफ कट कर देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही हमें कट करना है।
ताकि हम इसको इजली सरफेस पर रख सके। आप चाहें तो इसमें टूथपिक भी लगा सकते हैं, मगर पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसा बना है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और अगर हम इसे बांधना चाहते हैं तो हम ये टूथपिक लगा सकते हैं, इजीली लग जाएगी। हमें दो या तीन टूथपिक लगानी है। अब आप देख सकते हैं मैंने फ्लावर बनाया है, मैंने सिर्फ एक स्ट्रोक लगाया है ये वाला, ये अपने आप रुक गया है। और आप चाहें तो इस स्ट्रोक को भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इस पर कलर करूँगी, जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं वो वाला कलर, बहुत लाइट कलर करूँगी क्योंकि ये वाइट है और इस पर कलर बहुत खूबसूरत लगेगा। हर एक पेटल अलग से दिखाई देगा तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे आर्टिफिशियल हो, लगेगा ही नहीं, होममेड है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिए, ये खाने में नुकसान नहीं देता, हमें हमारी हेल्थ के लिए भी कोई भारी नुकसान नहीं होता इससे, आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी कलर यूज़ करना चाहे, ग्रीन या डस्टमैन, जो भी आपको अच्छा लगे, सैफ्रॉन, आप सैफ्रॉन का कलर भी कर सकते हैं। सैफ्रॉन को पानी में या दूध में थोड़ी देर भिगा के रख दें और उसके बाद उसका कलर इस पर करें, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ। बस ज़्यादा ना करें, हल्का ही करें। ये देखिए हमारा पेटल्स तैयार हो गया है फ्लावर रेडिश का। आप चाहें तो नीचे पेटल्स रखकर और किसी तरह भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं, बट मैंने तो इसी तरह की है और भी तरह से मैं करती हूँ, और मैं आगे आपको वीडियो पर बनाकर दिखाऊंगी। फिलहाल आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिए, कुछ नया कर कर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सब्सक्राइब मी।